Thank you.
खाना पीना खत्म हो जाने की वजह से जितनी हो सके उतनी मदद हेलीकॉप्टर से मिली। सुरती लालाओं ने तो इतनी बड़ी बाढ़ में भी मौज मस्ती की और अपना सुरती मिजाज की पहचान इतने बदतर हालत में भी कराई। एक और मानव मौज कर रहे थे तो दूसरी ओर मूंगे पशु अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो जिसकी मृत्यु हो गई उसकी लाश को चार कंधों की बजाय इस तरह रस्सी से बांधकर दूर रखने के लिए गए। बाढ़ के पानी से कोई कपड़ा धो रहा था तो उस दिन किसी ने शादी भी की। गरीब लोग इतनी बड़ी बाढ़ में भी कुछ पैसे कमाने निकले थे। सब रोजगार, कामकाज, नौकरी बाढ़ की वजह से तो रुक गई, लेकिन बाद में साफ सफाई, बीमारी इत्यादि की वजह से सूरत शहर को थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन सुरतियों ने सिर्फ 10-15 दिन में शहर को पुनः कार्यरत कर दिया। आज अगर कोई ये नदी को देखे तो मान नहीं सकता कि इतनी छोटी सी नदी कैसे पूरे शहर में चली गई। आज भी फ्लड लेवल के निशान मौजूद हैं, जो हमको आश्चर्य में डाल देते हैं कि पानी यहाँ तक पहुँच गया था। लोग नहीं मानते, लेकिन ये सच था। कुछ लोगों तो आज भी वो दिन याद करके रोते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा रौद्र स्वरूप तापी मैया का कभी देखना ना पड़े।